ना कल रात को देखने को मिला जब सीरीज ऑफ स्नैचिंग सबसे पहले मलकाजगिरी में एक वैग स्नैचिंग हुआ उसके बाद लालागुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट में एक मोबाइल स्नैचिंग हुआ और नलकुंटा में भी एक मोबाइल स्नैचिंग हुआ और सबसे पहले पुलिस को इंफॉर्मेशन नलकुंटा पुलिस स्टेशन में ही आया उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी स्नैचिंग हुआ ये पूरे एक्टिविटीज़ के समय हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स जो नाइट शिफ्ट शिफ्ट पर थे उस समय डायल हैंड्रेड कॉल के बाद जो मूवमेंट होता है जो ड्रिल होता है उस अलर्टनेस के बाद अपनी कार्रवाई में सब लोग लगे हुए थे और उसी समय हमारे हैदराबाद के तीन यंग जो आपके सामने बैठे हुए हैं सिविलियन धीरज कुमार श्रीकांत और बीवी प्रमोद ये तीनों बहुत बहादुरी के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और बहुत ही एक अलर्ट रिस्पांस, लेन टू लेन चेज करके बाई लेन में चेज करके ये लोग सब मिलकर स्नैचिंग ऑफेंडर्स को पकड़े इस ग्रुप में एक माइनर भी है और पहले भी ये लोग कुछ ऑफेंसेस किए हैं तो ऐसे मौके पे आज मीडिया के तरफ से हैदराबाद के पब्लिक को मैं एक ये एग्ज़ाम्पल पेश करना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो पुलिस पब्लिक का जो पार्टनरशिप है जो एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉइंट कलेक्टिव एक्शन का एक माहौल है इससे हम लोग बहुत सारे क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत सारे क्राइम जो हो चुके हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं अभी धीरज और श्रीकांत और बीवी प्रसाद से बात करने पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पुलिस और सिविलियन में कोई फ़र्क नहीं है पुलिस और सिविलियन में केवल फ़र्क है कि पुलिस वाले खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं और सिविलियन वाले सिविलियन यूनिफॉर्म पहनते हैं लेकिन जहाँ तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और डिटेक्शन ऑफ क्राइम का सवाल है हम लोग का मकसद एक है हम लोग का एफर्ट एक है और हम लोग एक टीम के तरह से मिलकर इस तरीके से क्राइम को प्रिवेंट करेंगे और उसको डिटेक्ट भी करेंगे ऐसे मौके पे आप लोगों को एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कल रात में न्यूयॉर्क की एक कंपनी है मरसर ये मरसर दुनिया की सबसे बड़ी सर्वे कन्डक्ट करने वाली कंपनियों में से एक है और पिछले दस साल से हर साल दुनिया के 230 बड़े बड़े शहरों का सर्वे करती है ये कंपनी और इस सर्वे में 2019 का जो लिस्ट आया है उसके हिसाब से हैदराबाद इंडिया का बेस्ट लिवेबल सिटी माना गया है उसको और सेफ़्टी और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट में चेन्नई के बाद नंबर टू पोजीशन हैदराबाद को मिला है तो इसके लिए भी इस खिताब से जो है, हैदराबाद को नवाज़ा गया है इसके लिए मैं इस इन तरह के जो हमारे यूथ आइकॉन हैं धीरज कुमार श्रीकांत और बीवी प्रमोद इस तरह के लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और आगे आने वाले समय में ये जो कम्युनिटी पार्टनरशिप है इसको हम लोग और भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और ख़ास करके ऐसे लोग जो माइनर जो किसी गलत संगति के कारण बैड कंपनी के कारण गलत हैबिट्स के कारण क्रिमिनल्स के साथ जाते हैं और क्राइम करते हैं उनको भी कैसे प्रिवेंट किया जाए इसमें भी कम्युनिटी पब्लिक का रोल बहुत ज़्यादा है हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है नेबरहुड के बच्चे क्या कर रहे हैं ये जिम्मेवारी वहाँ के सभी पेरेंट्स की है बाजू में थोड़ा नज़र रखें कि क्या हो रहा है और जहाँ कहीं भी कुछ डाउट का चीज़ हो पुलिस लोकल हमारे सेक्टर एस पेट्रोल कार ऑफिसर्स ब्लू कोल्ट ऑफिसर्स हमारे स्टेशन हाउस ऑफिसर्स सबको या नहीं तो सबसे जो हमारा पक्का सिस्टम है डायल हंड्रेड करके आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं हम लोग सब मिल को मिलकर हैदराबाद को और भी सेफ सिक्योर और हैप्पी शहर बनाएंगे थैंक यू अभी तो नहीं है ना अभी डिटेल इंक्वायरी चल रही है ये तो आप कल रात का इंसिडेंट है एज ऑन नाउ तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है वैसा मेरी हिंदी में कुछ बोल